गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश कन्वर्सेशन टर्न। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एंड रीड इंग्लिश कन्वर्सेशन। सो आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर ऑफ योर कन्वर्सेशन सब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू रीड 4th लेसन। द नेम इज सम नोन एंड अननोन फैक्ट्स। कुछ ज्ञात जिसे हम जानते हैं नोन, एंड कुछ अननोन जिसे हम नहीं जानते हैं वो फैक्ट्स, वो बातें। ठीक है, जिसे हम जानते हैं और नहीं जानते हैं वे बातें। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। First, here there are 2 characters. One is teacher and second one is student. Teacher is asking question and student is giving its answer. Yeah, responding. तो teacher question पूछ रही हैं और students उनके उत्तर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे टीचर फिर स्टूडेंट, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट। व्हेन कब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, व्हेन कब द फर्स्ट वॉर, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट, शुरू हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्टेड इन 1857, 1857 में हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। नेक्स्ट, When were the first general election held in India? When कब the first general, प्रथम general आम election, चुनाव held हुआ in India, भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ। Student, in India, भारत में द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1952। भारत में आम चुनाव 1952 में हुआ। व्हेन वाज द इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर इन इंडिया। व्हेन कब द इंटरनल इमरजेंसी, आपातकालीन, डिक्लेयर्ड इन इंडिया, कब आपातकाल डिक्लेयर्ड हुआ इन इंडिया। भारत में आपातकाल कब घोषित हुआ, डिक्लेयर्ड मीन्स होता है घोषित हुआ। स्टूडेंट्स, द इंटरनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975। आपातकाल डिक्लेयर्ड घोषित हुआ इन 1975, 1975 में आपातकाल घोषित हुआ। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली,
What was क्या The old name of Delhi. Old पुराना name नाम of Delhi. Delhi का पुराना नाम क्या था. ठीक है, Delhi का पुराना नाम क्या था. तो यहाँ सेंटेंस है नहीं है, ओनली वन वर्ड आंसर इज इंद्रप्रस्थ. इंद्रप्रस्थ ठीक है. टीचर व्हाट वाज द राणा प्रताप हॉर्स. व्हाट वाज द नेम ऑफ राणा प्रताप हॉर्स. राणा प्रताप के हॉर्स घोड़े. ठीक है, राणा प्रताप के घोड़े का नेम नाम क्या था. राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था. चेतक वाज हिज हॉर्स नेम. चेतक हिज उनके हॉर्स घोड़े का नाम था. चेतक उनके घोड़े का नाम था. वेयर इज जलियांवाला बाग सिचुएटेड. वेयर कहाँ इज है जलियांवाला बाग स्थित. जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है. इन अमृतसर. अमृतसर में. तो पूरा आंसर इसका क्या हो जाएगा. अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है. ठीक है, जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन अमृतसर. ठीक है, नाउ व्हाट डज व्हील स्टैंड फॉर. स्टैंड फॉर मतलब. ठीक है, स्टैंड फॉर मतलब तात्पर्य. व्हाट डज व्हील स्टैंड फॉर. व्हील का तात्पर्य क्या होता है. व्हील में चक्र. चक्र का तात्पर्य क्या होता है. फॉर प्रोग्रेस. इसका तात्पर्य मीन्स प्रोग्रेस, उन्नति करना, प्रगति करना. ठीक है, प्रगति करना. विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला. विच लैंग्वेज कौन सा भाषा. लैंग्वेज भाषा इज स्पोकन बोला जाता है. ठीक है, स्पोकन मतलब बोलना. बोला जाता है इन केरला. केरला में कौन सा भाषा बोला जाता है. मलयालम इज स्पोकन. मलयालम बोला जाता है. वेयर वाज द स्टेट झारखंड. सॉरी, व्हेन वाज द स्टेट झारखंड एस्टेब्लिश्ड. व्हेन मीन्स कब. वाज द हुआ था स्टेट राज झारखंड राज एस्टेब्लिश. झारखंड राज्य कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था. मतलब झारखंड कब इस्टेब्लिश हुआ था. इस्टेब्लिश मीन्स कब बना था. ठीक है, कब बना था. ऑन 15 नवंबर 2000. 15 नवंबर और 2000. सो इट इज़ योर हाफ ऑफ लेसन हैज फिनिश. Now we will read next part of this lesson in next class. So what is your homework? Read these questions and answers and write in your fair copy. जितना आज पढ़ाया गया है उसको पढ़िए, उसका हिंदी निकालिए और सेंटेंस बनाइए इंग्लिश में खुद से, और इसको फेयर कॉपी पे कंप्लीट करिए लेसन 4. ओके, थैंक यू सो मच.